ग्रेटेस्ट मीथ अबाउट MBBS ये कौन बताएगा? किस किस का यहाँ पे प्यार बन चुका है MBBS में आके? सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का कौन है? भाई MBBS कुछ भी नहीं है इसके लिए। अभी जो चल रहा है, अभी करंट जो हॉट टॉपिक चल रहा है नीट स्कैम, उसके ऊपर मतलब क्या ओपिनियन है वो बताओ। मतलब सीनियर जूनियर इंटरेक्शन में एक खास चीज बताओ, कौन बताएगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मेरे चैनल पे सबसे बेस्ट मतलब सबसे खतरा ब्लॉग होने वाला है, Q&A टाइप होगा। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप, पूरा एकदम पूरा हमारा गैंग यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देखिए आप, मैं बता दूँ ये इंडिया का हर एक कोने से है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। हाँ, ये हमारा ललित बिहार और यहाँ पे गौरव शाह हुजाई। फिर इधर हमारे साथ है मयंक फ्रॉम दिल्ली और राजदीप। भाई राजदीप का नाम कैसे नहीं ले सकता, राजदीप तो मैं नहीं है। सिद्धांत पांडे फ्रॉम बिहार। और सामने है हमारा सत्यव्रत मजुमदार कश्यप, इसको आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होंगे। और इधर है अंशुल, अंशुल के पास कश्यप हरियाणा बिहार। और इधर एकदम कॉर्नर पे देख सकते हैं हमारा जुल्फिक और नीलोत्पल, रूममेट है, एक साथ बैठे हुए हैं। समझ रहे हो ना। और इधर है देवोचंदन हमारा, गुलाघाट का सेंसेशन हमारा अबू हनीफा। यहाँ पे देवोचंदन, सौरभ और उसेब। तो आज की वीडियो होगा मतलब Q&A टाइप। यहाँ पे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि मतलब ग्रेटेस्ट मीथ अबाउट MBBS ये कौन बताएगा? मयंक को पूछता हूँ। तो MBBS का सबसे मतलब लोग क्या, सबसे ग्रेटेस्ट मीथ कौन सा है ये बता दो। ये है कि नीट के बाद बोलते ना मजे ही मजे हैं, तो कुछ मजे नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये डबल पढ़ना पड़ेगा, ट्रिपल पढ़ना पड़ेगा। तुम मजे नहीं कर रहे हो क्या? मजे होते हैं भाई, रासलीला कर रहे हैं इधर। तो नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ, जो नीट और MBBS के बीच में जो डिफरेंस है वो बताएगा, कौन बताएगा वो बता दो। पांडे या कौन बताएगा नीट और MBBS के बीच में? चलो सिद्धांत बता दो। मतलब नीट का टाइम तो पढ़ाई का टाइम थोड़ा वो रहता था, खौफ रहता था कि मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ और नहीं कर, ऑप्शन नहीं है। अभी एटलीस्ट ये है कि एक बैकबोन है, सपोर्ट है। अच्छा, तुम्हारा ओपिनियन में क्या है नीट और MBBS? मेरे हिसाब से तो नीट बहुत ही टफ एग्जाम है कम्पेयर टू MBBS। MBBS में ठीक है, सिलेबस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, सब ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपको कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन नीट में आपका है कि अगर वो 3 घंटे आपका खराब गया तो एक साल आपका बर्बाद। ठीक है, समझ गया। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा MBBS कुछ भी नहीं है। आप नीट भाई MBBS कुछ भी नहीं है इसके लिए, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसने एक सही बात बोला है। मतलब नीट में देखो एक प्रेशर रहता है, तुम अगर नीट क्रैक ना कर पाओ तो तुम क्या बनोगे, कोई मतलब तुम्हारा फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन MBBS में यार तुम्हारा कुछ भी लगे, रिमेडियल लगे, कुछ भी लगे, 5 साल बाद डॉक्टर बनोगे। तो 5 साल बाद या 6 साल बाद कितना भी साल तुम डॉक्टर बनोगे। और अभी हमारा एंट्री किसका हुआ है देखो, मोस्ट फेमस बॉय इन आवर बैच, मिस्टर फ्रेशर काइनेटिक सान मुसारी फ्रॉम उदयपुरी। तो अभी नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ, हाँ, MBBS में मतलब बेस्ट थिंग अबाउट MBBS कौन बताएगा? चलो उसे बताएगा बेस्ट थिंग अबाउट उसे। रिस्पेक्ट मिलता है बहुत ज्यादा तुम्हें। कौन क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले भाई। ये बताओ मेडिकल कॉलेज के बाहर, मेडिकल कॉलेज के बाहर जहाँ भी जाओ तुम बोलो मैं MBBS कर रहा हूँ, देता कौन है वो बताओ मुझे। कॉलेज में नहीं है लेकिन बाहर तो है, बाहर ना मिलेगा डॉक्टर बन जाए, इधर डॉक्टर उधर सरकारी। और ललित को कुछ बोलने नहीं दे रहा यार, ललित ये बताओ मतलब बेस्ट थिंग्स अबाउट MBBS, मतलब सबसे अच्छा खास चीज क्या है MBBS के बारे में? खास क्या
हाउस क्या है, वही तो सवाल है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलते हैं। लड़कियों के मैसेज आता है क्या तुम्हें? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं आता। तो अभी नेक्स्ट सवाल है कि हमारे ग्रुप में, हमारे बैच में, लड़कों में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का कौन है? कौन सबसे ज्यादा, कौन मेरे साइड में बैठे? ये फ्यूचर राजा था है हमारा। तो इसका इसका जवाब फाइनल बताओ, सब अलग अलग बता रहे हैं। तुम लोग बताओ, तुम बताओ कौन है तुम्हारे हिसाब से? सत्यव्रत। सत्य बताओ सबसे। कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। मानता हूँ भाई, भाई ठीक है। मैं इसके रूम पे जितना दिन गया ये पढ़ रहा था भाई। क्या पढ़ रहा था? इसके बुक्स खोला हुआ था, फिर उसे कौन लगता है तुम्हें भाई? ललित। कौन अबू? कौन अबू को खुद ही लगता है, खुद पढ़ता है ज्यादा। मेरे जुल्फिक बताओ तुम कौन पढ़ता है? आसिफ। आसिफ को ज्यादा वोट मिल रहा है। नीलित बोल। बिना कुछ किए जब क्रेडिट मिलता है भाई, मजा आता है। एग्जाम के बाद क्या होता है? केशव बताओ कौन सबसे? अंशुल। अंशुल बताओ। अंशुल। सिद्धांत। मुझे तो तुम लगते हो भाई। तो मैंने सुना है कि तुम क्लास बिना जाए रूम पे पढ़ते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहारी बता गया। बिहारी सब पे भाई। ए गौरव बता, गौरव बता, गौरव बता, गौरव नहीं बता। मैं तो किसी का रूम में जाता ही नहीं हूँ जब लोग पढ़ते हैं भाई। ललित सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? मयंक। तो चलो अभी इसका फाइनल जवाब, जो मतलब सबसे ज्यादा वोट मिला है वो आसिफ के तरफ गया। तो सबसे सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का हमारा आसिफ है। तो चलो अभी तो हो गए सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का, अभी सबसे कम कौन पढ़ता है हमारे इधर? तू तो हाथ नहीं उठा सकता, तू तो हाथ नहीं उठा। क्या करता है सारा दिन? तो ब्लॉग ही बनाता है, प्रॉक्सी लगाता रहता है और ब्लॉग बनाता है। लड़कियां प्रॉक्सी लगाती है, फेमस है सब। रामा सर, सबिना मैम सब इसको पहचानती है, प्रिंसिपल भी पहचानती है उसको। और क्या है, और क्या है, जलवा है हमारा। सबसे कम मैं ही पढ़ता हूं। तो ये मानता हूँ कि मैं यहाँ पे जितना भी है सबसे कम मैं पढ़ता हूँ। तो चलो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल बहुत खास होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट सवाल बहुत खास होने वाला है भाई। किस किस का यहाँ पे प्यार बन चुका है MBBS में आके? I'm
जुल्फिक बेचारा डिप्रेशन में यार, चाकुआ को निकाल लिया यार। मयंक भाई टिप्स चाहिए तुमसे, टिप्स दो यार, टिप्स दो, कुछ टिप्स दो, जो अभी तक वो दिया, कैसे इतना जल्दी कैसे? अबे कहाँ हुआ है, मैं कुछ भी नहीं भाई, दोस्त ही ये फंस गया सी है। लेकिन इसको कोई इंडिकेट क्यों नहीं कर रहा है भाई, इसको क्यों नहीं बोल रहा है? सबसे लेट आके सबसे आगे बढ़ा है। ये सही बोला तुमने, ये थर्ड राउंड पे आया था लेकिन फर्स्ट राउंड पे काम कर दिया। तो अभी नेक्स्ट सवाल है, हमारे ग्रुप में, हमारे बैच में सबसे फेमस लड़का कौन है? चलो अभी अभी सुनो, अभी नेक्स्ट सवाल है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, मतलब सीनियर जूनियर इंटरेक्शन में एक खास चीज बताओ, कौन बताएगा? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बताओ ये सीनियर जूनियर जो इंटरेक्शन है अच्छा ही लगता है, मतलब जब तक ये फनी वे में लिया जाता है अच्छा ही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, हमारा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, उन लोगों का भी एंटरटेनमेंट हुआ और अच्छा ही लगता है, मतलब एक मेमोरी क्रिएट होता है, एक बहुत अच्छा लगा है, मतलब आई मतलब मिस दोस डे। ऐसा एक मोमेंट बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा होगा, याद है क्या ऐसा? वो मैं तो भाई पूरा वो सीनियर का प्यारा, मुझे तो इतना ना, मैं नाचते रास्ते में तो मैं क्या ही बताया। तुम्हारा सबसे अच्छा वो था, तुम रिपोर्टिंग कर दे एबीपी न्यूज़ बना दिया, रिपोर्टर बना दिया था, आज तक का रिपोर्टर मैं बना था, आज तक का रिपोर्टर, कौवा भी बना था और बहुत कुछ भी बना था और बहुत नाचा हूं मैं। और नेक्स्ट सवाल है, मतलब व्हाट इज द सैडेस्ट थिंग, मतलब एक अच्छा नहीं लगता ऐसा एक चीज जो एमबीबीएस के बारे में, वो बताओ। मैथ्स फोर कौन बताएगा? तो तुम बताओ। इसका क्लास अच्छा नहीं लगता, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये सही बोला, 8-4 क्लासेस का गाना बहुत ही घटिया है, वो भी वो अच्छा नहीं लगता है। रूममेट अच्छा नहीं लगता, दो दिन भाई एग्जाम आ जाते हैं, दो दिन बाद बाद एग्जाम आ जाते हैं, क्या यार अच्छा नहीं लगता। और घर से दूर रहना पड़ता है भाई। क्यों घर से दूर? कौन है, कौन किसको छोड़ के आए हो घर पे? किसको छोड़ के आए हो घर पे? मेरे हिसाब से सबसे जो सैडेस्ट थिंग है एमबीबीएस के बारे में, क्योंकि देखो एमबीबीएस में मतलब बैक नहीं है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते बीच में इसको, अगर आपको इसको कंप्लीट करना ही होगा, मतलब इसका रिवर्स नहीं है ये, काफी मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा चीज नहीं है, मतलब हम कभी एमबीबीएस के बीच में हम इसको छोड़ नहीं सकते, देयर इज नो रिवर्स गियर। 3-4 साल लगा के हमने मेहनत किया, मिला और आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमबीबीएस में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, कैसा रिलेशनशिप है, उसका जवाब कौन देगा? नहीं, उसका सबसे पहले मैं जुल्फिक से, जुल्फिक कुछ भी बात नहीं है, डॉक्टर नहीं। चलो जुल्फिक बताओ, बताओ, नो कॉमेंट्स, अरे एक भी बताओ यार, खुद का एक्सपीरियंस बताओ। गया तुम्हें क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। चलो काइनेटिक्स बताओ, अरे भाई अच्छा तो है यार, प्रोफेसर अच्छा ही है, बट प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, मतलब जैसे कि जैसे मैं बता देता हूँ, देखो आपका कोचिंग के टीचर्स के जैसे है या आपका मतलब स्कूल टीचर्स के जैसे है, कुछ एक मतलब 90% स्टूडेंट्स को तो जानते ही नहीं है प्रोफेसर कौन है, ये कौन नहीं है, सिर्फ कुछ 10% में तुम ही आते हो, 10% रहते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, टीचर्स के पास जाकर के बहुत ज्यादा पूछते हैं, भाई ये इम्पोर्टेंट बता दीजिए मैम, ये कैसे, उनको जानते हैं, बाकी 90% कोई नहीं जानता। ये सही बात है, ये सही बात है, प्रोफेसर सबको याद नहीं है। इधर जैसे जीएमसी में 200 बच्चे होते हैं, इधर हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो टीचर एक एक के ऊपर फोकस कर सकता है, और 200 बच्चों में फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो इधर डिफू मेडिकल कॉलेज में बेनिफिट रहता है हम लोग। मेरे साथ टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो मतलब ऑलमोस्ट सारे टीचर्स अच्छे से जानते हैं, ये 10% में आता है। ऑनेस्टली यार डिपू के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, आप इजीली अप्रोचेबल है, बहुत अच्छे, ये सच है। मतलब कैसे बताओ, प्रोफेसर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं और से इंटरेक्शन कर रहा है। ललित को नहीं पूछा है भाई, ललित बताओ
अच्छा इंटरेक्शन होता है इसके साथ। टारगेट करते हैं सर लोग, प्रोफेसर लोग तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सौरभ बताएगा इंटरेक्शन। हाँ अच्छा ही होता है, मतलब आप अगर कुछ जाके पूछते हैं तो हेल्प करते हैं। हाँ तो चलो मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मेरे हिसाब से मतलब MBBS लाइफ में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो हमारे इधर तो अच्छा है भाई, मतलब वरना GMC एम्स वहाँ पे तो 200-200 बच्चे हैं, तो वहाँ पे मतलब हर कोई प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को नाम के नाम से नहीं जानते। तो हमारे यहाँ पे मतलब एक दूसरे को, जहाँ स्टूडेंट्स कम होते तो एक दूसरे को, मतलब प्रोफेसर्स एक एक स्टूडेंट्स को थोड़ा मतलब ज़्यादा गौर से दिखते, ये अच्छा है। लेकिन आपका मैं बता दूंगा कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपका स्कूल टीचर जैसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर आपको इतना मतलब यार वो बहुत प्रोफेशनल लेवल है, तो इतना मतलब आप लोगों को वैसे प्यार वार नहीं मिलेगा, तो इतना मतलब वो नहीं मिलेगा आपको, मतलब आपको डांटा जाएगा, आपको पूरा एकदम पूरा एक प्रोफेशनल लेवल मेंटेलिटी बनाया जाएगा आपका। तो अभी एक लास्ट सवाल पूछेंगे। हाँ अभी जो चल रहा है, अभी करंट जो हॉट टॉपिक चल रहा है नीट स्कैम, उसके ऊपर मतलब क्या ओपिनियन है वो बताओ। कौन बताएगा, एक साइड से बताओ, ललित बताओ सबसे पहले। जो अभी नीट स्कैम चल रहा है उसके ऊपर तुम्हारा मतलब क्या ओपिनियन है? कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा चला गया है। हाँ। अब इंडिया में नहीं रहना चाहिए, अब से बाहर जाइए, अब इंडिया में गुजारा नहीं है। कंपटीशन है और नहीं हो पाएगा। जनरल तुम तो छोड़ दो भाई, जनरल तो छोड़ ही दो। राजदीप नीट्स के अंडर में क्या ही बोलूं, हर साल ही होता है, इस बार ज्यादा हाईलाइट हो गया। अभी देखते हैं जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो क्या देते हैं उसमें। मेरे हिसाब से तो अथॉरिटी को थोड़ा बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, अथॉरिटी को चेंज ही करना चाहिए, इतना ज्यादा स्कैम। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूछना क्या मतलब तुम चाहोगे कि नेक्स्ट ईयर NTA ही नीट कंडक्ट कराए? बिहार की क्या मजबूरी है? अंशुल बताओ, अंशुल ongoing नीट स्कैम के ऊपर कुछ क्या बता। हरियाणा में क्या चल रहा है? हरियाणा में भी स्कैम हुआ है भाई, एक ही सेंटर से क्यों इतने टॉपर है? हां क्यों क्यों भाई, क्या मजबूरी है तुम लोगों की? हमारी मजबूरी नहीं है, एनटीए वालों की मजबूरी है, उनकी GDP कम है। हमारा टीम रहती है, देखते हैं क्या बोलते हैं। स्कैम हुआ है, देखो बिल्कुल हुआ है स्कैम, जो कि ये हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल होता है। देखो एनटीए ने बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी है इस बार, इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो भी हुआ गलत हुआ। अल्टीमेटली लास्ट टाइम नेशनल लेवल एग्जाम में डॉक्टर्स बनते हैं, इससे बहुत रिस्पांसिबिलिटी होता है। चेंज होना चाहिए क्योंकि ये हर साल कुछ ना कुछ ये होता रहता है, तो क्योंकि ये बोर्ड भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, तो ये बोर्ड चेंज होना चाहिए। आगे CBSE कंडक्ट कर रहा था तो CBSE में जाना चाहिए। ऑनगोइंग नीट स्कैम के बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा? क्या NTA को नेक्स्ट साल नीट कंडक्ट कराना चाहिए या नहीं? देखो मेरे हिसाब से क्या बोला साले का खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़ साले, तो थोड़ा बहुत ठीक चलता है, होना चाहिए। तो अभी लास्ट सवाल है कि आप हमारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए क्या जवाब मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो सबसे पहले हम किससे शुरू करें, इस साइड से शुरू करें, ललित से। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? नहीं चलो चलो राजदीप बता दो, स्कैम से दूर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहना है आप स्टूडेंट, आप स्कैम से ये सब तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पढ़ते रहना है और क्या है। जनरल वालों मत दो भाई, BSC ले लो, ये बिहारी है भाई। नहीं जनरल वालों मत दो भाई, बिहारी नहीं। अबे साले जब कोई मेहनत करते रहना है, हाँ बस ये कहना चाहूंगा, मेहनत बिल्कुल जोरों से करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, 15-10-10-12-12 घंटे तक मेहनत करो, एक मोटिवेशन।
प्रिपरेशन लेके चलो अपनी प्रिपरेशन के लिए कि क्या मोटिवेशन है तुम्हें, क्यों बनना है डॉक्टर, क्यों प्रिपरेशन करनी है ऐसी। तो लास्ट मेरे तरफ से 2025 एक्सपीरियंस को मैं ये बताना चाहूंगा, देखो हर साल स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप ज्यादा भी नहीं आपको मतलब क्वेश्चन करके बढ़ाना है, और लगते हैं आज वीडियो का यही पे अंत। होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट और एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा। बाय।